अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ पोटैटो रिंग्स बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने चार मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिसका मैंने छिलका उतार कर इसे चार हिस्सों में काट के इसे बॉईल कर लिया था। तो इसको मैंने काट कर इसलिए बॉईल किया ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, ये जल्दी से बॉईल हो जाएं। और जैसे ही ये आलू अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे मैश कर लेंगे। तो आलू को हमें बहुत अच्छे से मैश कर लेना है, इसमें एक भी पीस आलू का नहीं होना चाहिए। तो ये आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, तो इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हम ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्ची का पाउडर ऐड किया है, और 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। और अगली चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है सूखा साबित धनिया, तो ये हम 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे, और 1/2 कप हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नस्टार्च। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, तो इसे हम मिक्स कर देंगे हाथों से इस तरह से। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो कॉर्नफ्लावर मुझे इसमें थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें और ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जिस तरह से डो होता है आटे का उस तरह से हमें इसे कर लेना है। तो ये देखिए ये अब रेडी है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसके हमें बड़ी साइज़ के पेड़े बना कर रख लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके 2 पेड़े बना कर रख लिए हैं। तो ये एक पेड़ा हम उठाएंगे और इसे रोटी की तरह हम बेल लेंगे। तो सरफेस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। तो सरफेस पर मैंने ऑयल लगा दिया है, तो ये पेड़ा हम इस पर रखेंगे और इसको इस तरह से दबाते हुए उंगलियों से हमें इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। और ये जो रोलर है इस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो ऑयल मैंने लगा लिया, अब इसे हमें बेल लेना है। तो बहुत पतला रोटी की तरह हमें इसे नहीं बेलना है, बस थोड़ा सा मोटा हमें इसे रखना है। ज़रूरी नहीं है आप इसे गोल ही बेलें, आप जैसी मर्जी इसे बेल सकते हैं। तो इसे हमने बेल लिया है, तो अब हमें क्या करना है। तो ये देखिए ये मैंने 2 ढक्कन लिए हैं बॉटल के, तो ये एक बड़ी साइज़ का ढक्कन मैंने लिया है और एक छोटी साइज़ का ढक्कन भी मैंने ले लिया है। तो ये जो बड़ी साइज़ का ढक्कन है, पहले तो हम इससे सारे रिंग्स काट लेंगे, देखिए इस तरह से। तो ये देखिए रिंग्स की कटिंग हमने कर ली है, तो ये सारे रिंग्स हमने काट ली है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो छोटी साइज़ का ढक्कन है उसे हम इसके सेंटर में रखेंगे और इस तरह से हमें सारे रिंग्स की कटिंग कर लेनी है। तो ये सारे रिंग्स की कटिंग हमने कर ली है, तो इसकी जो वेस्ट साइड है इसको हमें निकाल लेना है। और इसके जो अंदर वाला हिस्सा है इसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये रिंग्स की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो आटा निकला है साइड वाला इसको हमें दोबारा से बेल कर इसके रिंग्स तैयार कर लेने हैं। तो इसी प्रोसेस को हमें दोबारा से करना है और सारे रिंग्स इसी तरह से हमें तैयार कर लेने हैं। तो ये रिंग्स हमारे रेडी हैं, तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, ये ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें अब हम ये एक एक करके रिंग्स डालते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। तो हमेशा की तरह हमें चम्मच इसमें बार बार नहीं घुमाना है, जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, तो इसकी साइड हम चेंज कर लेते हैं। तो ये सारे रिंग्स की साइड हमने चेंज कर ली है, अब हम इसे गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे, और जब इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे ऑयल से। और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखी है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई कर लेना है। लीजिए हमारे रिंग्स फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम ऑयल से निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारे पोटैटो रिंग्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल पर आप नए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी तरफ से मिलने वाला एक इनाम होता है जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ, फरहीन को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।